एक्सपेक्टेशन भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, प्यार की ही तो एक्सपेक्टेशन है ना। लेकिन ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है, मेडिटेशन जो है, वो हमको बहुत अच्छी तरह से ये क्लैरिटी देता है कि प्यार जो है वो मांगना नहीं पड़ता जी, बिल्कुल। प्यार जो है वो दूसरे व्यक्ति के मन में हमारे लिए स्वयं ही आएगा, इफ़ आई एम इन राइट पोजिशन जी ऑफ एक्सेप्टेंस। जी क्यों? क्योंकि जैसे सूरज है, अब सूरज को बेचारे को आप कहो कि हे सूरज गर्मी दे दो, अब वो तो दे ही रहा है। आप थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा आ जाओ, जी सूरज की गर्मी आ जाएगी। अगर आप छाता लेके बैठे हैं तो आपको हे सूरज गर्मी दे दो। तो ऐसे ही हर एक इंसान प्यार से बना हुआ है जी, वो बना ही प्यार से। जी अब गुलाब जामुन बना ही मीठे से है, जी जी और मैं परेशान हो रही हूँ गुलाब जामुन मीठा होगा या नहीं होगा। जी जी आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेम के बगैर कोई नहीं रह सकता, जी क्योंकि जब हम तनावग्रस्त होते हैं और हमें कोई दो शब्द सहानुभूति के बोलता है, जी प्रेम के बोलता है, तो हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं। तो हमारी ये खुशी कितनी रिलेट करती है प्रेम से? जी मतलब हम उस पर डिपेंड हो जाएं, किस तरह बैलेंस रखें? हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव करेगा, सिंपैथेटिक होगा, रहम होगा, जिसको हम कहते हैं स्नेह वाला होगा, तो खुशी होती है। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट डिपेंडेंसी ऑल्सो, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही है एक साथ ग्रो करना, एक साथ आगे बढ़ना और एक दूसरे से लेन देन करना। तो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे संबंध में है और उससे हमारी खुशी होती है, ये इज अ हेल्दी साइन। लेकिन अगर खुश रहने के लिए वो ज़रूरी हो तो वो डिपेंडेंसी हुई? उसमें हम ये बैलेंस, यहाँ हाँ बैलेंस शुरू होता जी, है कि प्यार भी किस रूप से देना है और लेना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं न्यारापन, जी कि कोई भी चीज़ है उसकी जब हम एडिक्शन में चले जाएंगे कि इस व्यक्ति के इस प्रकार से बात करने से ही मुझे खुशी होती है। हाँ, अच्छा बिहेव करता है तो खुशी होगी ना, जी ये तो नहीं कि हम उस समय कहीं नहीं, लेकिन जब एडिक्ट हो जाते हैं उसके, तो उससे डिटैच रहना ही अपने जो प्यार को बनाए रखना है। तो आज वो बात बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सपेक्टेशन में ना जा करके अपना जो वो संबंध है, अपना व्यवहार दूसरे से ठीक रखें। इसको ही कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन। आजकल कोई अच्छा बिहेव नहीं करता आपसे, प्यार से नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे? बाय, आप दूसरा संबंध ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपनी जो मेलिंग लिस्ट है ना, रिमूव। अच्छा ठीक है, आप सबको हटा लोगे ना, लेकिन माँ को तो नहीं चेंज कर सकते, फादर को नहीं चेंज कर सकते, बेटे को नहीं चेंज। तो इसलिए व्यक्ति से नहीं न्यारा होना है, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी से न्यारा नहीं होना है, कर्म से भी न्यारा नहीं होना है, लेकिन जो कुछ भी दूसरों के अंदर ऐसी कमी है, फ्लॉ है, वो उसको समझ करके जी, अच्छा ठीक है, इस व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया और मैं क्या, मैं हर समय सही हूँ? जी तो व्यक्ति से न्यारा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वो रास्ता चूज करते हैं ना, तो आपको एवरी डे हर एक को गुड बाय करना पड़ेगा, जी, बिल्कुल, क्योंकि रोज बिल्कुल, कोई ना कोई कुछ ऐसा करेगा, हाँ, बिल्कुल, फिर तो आप जंगल में जा करके बैठेंगे ना। जी, तो इसलिए जो भी है, जैसा भी है, प्यार का सबसे पहला जो स्वरूप है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, जो है जैसा है, एक्सेप्टेंस।